बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत बड़ी खुशी शेयर कर रही हूँ, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कहा था कि बहुत बड़ी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मेरा जो है वो घर, अपना सेकेंड घर जो है हमने बैरिया टाउन में बुक करवाया था, वो हमें मिल चुका है। अब ये बंगला हमारे पास है और ये बैरिया टाउन की देखिए की मेरे पास आ चुकी हैं और ये मेरा विला है पूरा। और अभी फ़िलहाल खाली है, अभी मतलब काम थोड़ा सा है, चल रहा है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूं। आए चलते हैं, मैं आप लोगों को अपने घर का विज़िट करवाती हूँ, अंदर चलते हैं और कितने बेडरूम हैं, कितने बाथरूम्स हैं, क्या क्या है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी बस, तो ये घर के अंदर का व्यू है आपको, ये पूरा जो है वो डाइनिंग एरिया प्लस सिटिंग एरिया है यहाँ पे। और इस तरह जो है यहाँ से वहाँ से बेड रख दी थी, यहाँ से बेड रख दिए, ये आप चाहें तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया बना लें, सिटिंग एरिया बना लें, उस साइड पे डाइनिंग एरिया बना लें, छोटी टेबल आ सकती है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये जो है ये इसका ड्राइंग रूम है, पूरा ये वाला हिस्सा जो है वो ड्राइंग रूम का है। ये लाउंज है। अब आते हैं हम आपको विंडो है, इस साइड पे विंडो है, इस साइड पे विंडो है। किचन माशाल्लाह बड़ा है और काफ़ी यहाँ पे स्पेस काफ़ी है। काउंटर जो है वो ब्लैक है, चूल्हा हमने अभी यहाँ पे टेम्परेरी जो है वो लगवाया है। और इस तरह जो है ये भी हमने ये गैलरी में खुलता है, यहाँ से जो है वो सर्वेंट वगैरह क्वार्टर पर है तो वहाँ से उनका एंट्रेंस वगैरह रखी है। ये जाली भी हमने खुद लगवाई है, प्लस ये मेरा किचन है। अभी काम यहाँ चल रहा है, अभी काम पूरा कम्प्लीट हुआ नहीं है। कैबिनेट्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे और सही से लगवा लिए हैं सारे कैबिनेट्स यहाँ के भी हैं, कैबिनेट बहुत अच्छे, ये बैरिया टाउन वालों ने खुद लगाए कैबिनेट्स वगैरह सारे जो है ना। तो ये मेरा किचन है, ये कैबिनेट है, ये देखिए यहाँ पे ये कैबिनेट लगाया हुआ है, ये कैबिनेट है, इसमें आप घर की जो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। अभी देखते हैं कि हम शिफ्ट होते ही यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्या होता है। आए आप चलते हैं बेडरूम में, नीचे जो है वो बेडरूम एक है और ये तकरीबन 235 यार्ड स्क्वायर पे ये पूरा बैंगलो बना हुआ है हमारा। और ये रूम है बेडरूम नंबर वन, ये बेडरूम नंबर वन है ये खाली है, कुछ सारे अभी यहाँ पर थोड़ी सी काम चल रहा है। ये कैबिनेट लगाए हुए हैं, ये भी मेरे टाउन ने खुद कैबिनेट हमें लगा के दिए हैं और अच्छी शीट्स लगी हुई है सारी, ये दिखा दी पूरी को सुन, ये सारे अलमारी जो है उन्होंने सब लगा के दिए, ऊपर कैबिनेट है कि आप कोई चीज कर सकते हैं, नीचे पूरी चीजें अलमारी। एक इसका बॉक्स ये है, ये भी हैंगिंग के लिए है और ये वाले जो है ये वाला भी हैंगिंग के लिए है और नीचे कपड़े वगैरह चीजें वगैरह, और ये दो जो है ये आपके कपड़े वगैरह जो है बर्फ हो गई है। अच्छा, इसी के साथ अटैच बाथरूम है, इस तरफ विंडो है, ये इस तरफ बाहर का साइड है, वॉशिंग एरिया वगैरह है या सिटिंग एरिया बना लें, वॉशिंग एरिया बना लें। इसी के साथ ही बाथरूम है, बाथरूम अभी वैसे साफ नहीं है लेकिन आप मुझे साथ शेयर कर दें।
जी बस ये बाथरूम है और ये शावर, ये वॉशरूम। अरे मैं दिखा दो यहाँ। ये शॉवर एरिया है, ये वैनिटी है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। उसकी जो अलमारियाँ कैबिनेट्स हैं वो इन्होंने वॉशरूम के अंदर ही दे दी हैं, पूरी यहाँ पूरी साइड पे। एक ये टेरेस दिया गया है, एक ये टेरेस है।
और बाहर का व्यू आप इस वक्त चेक करें, शाम का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है इस वक्त यहाँ पे। आप लोगों को मैं नीचे दिखाती हूँ, बैक साइड बैक एरिया जहाँ पे वॉशिंग एरिया भी है प्लस गैलरी भी है, वो आप लोगों को अभी नीचे जाके एरिया दिखाती हूँ। ये टेरेस है, दो टेरेस हैं, दोनों आप हम लोग यूज करेंगे इंशाल्लाह, और व्यू बहुत ही खूबसूरत है। आए चलते हैं बैक साइड पर। जी व्यूअर्स, तो ये गैलरी एरिया है, बैक साइड का ये गैलरी है, ये हमारा कार पाउच है, पूरा कार पार्किंग का एरिया है, ये आपको अभी मैं दिखा रही हूँ। अभी आए चलते हैं हम बैक साइड पे। यहाँ पे काम चल रहा है तो ज़्यादा सामान, हाँ यहाँ पे काम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी मजदूर लगे हुए हैं तो सफाई भी नहीं हुई है, लेकिन मजदूर अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे। अंदर से तो काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इस एरिया में अभी काम रहता है। ये जो है ये किचन सर्विस कटर यहाँ से ऊपर है, और ये यहाँ से आप आपका जो है हमारा जो है वो सर्वेंट वगैरह जो अगर हम रखेंगे तो वो यहाँ से उसकी एंट्रेंस है। और ये बैकयार्ड है पूरा हमारा, ये वाला स्पेस काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो बाकी बैरियर टाउन के बैंगलोर है उनके बहुत छोटा है, हमारा ये एरिया थोड़ा सा बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका स्पेस काफ़ी 35 जो है, वैसे ये 200 यार्ड का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़मीन ज़्यादा है तो 235 यार्ड का है। ये वॉशिंग एरिया है, इसको भी मैंने हमने ये ग्रिल लगवा लिया है, और ये वॉशिंग एरिया है, ऊपर से इसका कवर वगैरह लगेगा। ये वॉशिंग एरिया, ये नल वगैरह अभी हमने नहीं लगवाए हैं, क्योंकि अभी इसको भी लगवाने के अंदर पड़े हुए हैं सारे, तो जब ये ऊपर से कवर्ड हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसमें नल। किचन है यहाँ से जी बस, तो ये रूम है, ये बेडरूम नंबर वन है, ये किचन का एरिया, यहाँ से आपको पूरा व्यू नज़र आ रहा होगा, विंडो वगैरह अगर खुल जाए तो। जैसे कि आप सबको पता है कि ये गीज़र है, हाँ ये गीज़र है, और ये सर्विस क्वार्टर है, यहाँ से जो है ऊपर छत है, ऊपर रूफ है, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा सकती है क्योंकि मुझे हाइट से थोड़ा सा डर लगता है, हरिमा को भी डर लगता मुझे है, हाइट फोबिया है, तो हाइट फोबिया है हम दोनों को, तो हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन ये सर्वेंट क्वार्टर है, इसमें अंदर बाथरूम भी है प्लस मैंने आज तक इस घर का सर्वेंट क्वार्टर नहीं देखा, बिकॉज मुझे डर लगता है ऊपर जाने से। हाँ क्योंकि मैं भी शायद चढ़ी हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं चढ़ी, वहाँ जाके रुक गई थी मैं, उधर से ऊपर नहीं गई मैं, तो वहाँ जाके अटक गई थी। तो व्यूअर्स ये गंदा है, इसको आप माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये था हम मेरे रूम का टूर, और हाउस टूर जो कि अभी पूरा खाली है, ऊपर नीचे पूरा खाली है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये हमारा जो है बैरिया टाउन में हमने लिया था 2015 में, हमने इसको बुकिंग करवाई थी जब ये बैरिया टाउन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन मिलते 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 हमें 2018 में मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो चुकी थी, लेकिन मलक रियाज साहब ने जो है वो हमें ये होम हमारा घर हमें दिया नहीं, हमें ये दिया है 2022 जनवरी में हमें हैंडओवर किया है, ये घर की चाबियाँ मिली थी, घर की चाबियाँ मिली, यानी कि आप लगा लेंगे 3 साल फिर भी बहुत काम कर रहता था, अभी भी काम रहता है, जो हम खुद करवा रहे हैं, उन्होंने तो बस बना के हैंडओवर कर दिया, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद करवाई हैं,
ऊपर नीचे जो है वो मेंटेनिंग की काफ़ी चीज़ें हमने खुद करवाई हैं। अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे और देखते हैं कि अभी और कितना काम होता है। तो अरिबा बाहर का कार पाउच दिखा दें और बाहर का थोड़ा सा एरिया दिखा देते हैं व्यूअर्स को। गार्डन का एरिया ये अभी बनेगा और ये ड्राइंग रूम और लाउंज का एरिया यहाँ से नजर आता है अच्छी विंडोज जी। मैं बस तो ये था मेरा होम टूर जो कि हमें हमारा हमने लिया है नया न्यू मिला है क्योंकि 2015 से हमने करवाया हुआ था लेकिन अब हमें 2022 में मिला है। तो कैसा लगा मेरा ये एम्प्टी होम टूर जो कि अभी काम जारी है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन मैंने कहा मुझे थोड़ा सा था कि मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँ जी। बस तो मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो मैं अपनी ये खुशी शेयर करूं और अपने होम का अपने घर का टूर जो है वो मैं करवाऊं क्योंकि मैंने कहा मुझसे रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। बहुत अरसे से मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करूँगी तो मैंने कहा अब जितना भी काम हुआ है जितना रह गया है बहरहाल मुझे वीडियो आज बनानी है तो मैंने आज वीडियो बना ली। और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा ये होम टूर कैसा लगा और अच्छा लगा बुरा लगा घर कैसा लगा आप लोगों को। और अभी तो क्योंकि खाली है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तो जब इंशाल्लाह देखेंगे कुछ होता है तो। बहरहाल मेरा ये आज का होम टूर था और इसको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। और हम दूसरी बात ये थी कि हमने कोशिश की थी कि हम यहाँ पे स्टे मतलब रहें हम लोग यहाँ पे आके लेकिन आपको पता है कि बच्चों के हस्बैंड के सर जो है वो कराची में है तो अरिबा को यूनिवर्सिटी जाना होता है मानूर को जॉब पे जाना होता है हस्बैंड को जाना होता है राफे को स्कूल जाना होता है अरिबा को हिबा को जो है कॉलेज तो यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो है हमने अभी कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है यहाँ रहने का। और बहरहाल मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करना था आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अपनी दुआ में याद कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ टेक केयर।